मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आमी ग्रेज अड़का, मेरा नाम है अमृता। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पोमोग्रेनेट जूस। अनार का जूस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है और इजी भी है बनाने में। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनार का जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है दो अनार। दो अनार को मैंने छील लिया है। एक चौथाई चम्मच काला नमक, अगर आपके पास काला नमक नहीं है आप सादा नमक भी ले सकते हो। एक छोटा चम्मच चीनी और एक छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने नींबू का रस लिया है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ये पोमोग्रेनेट का जूस है, मैं बनाने वाली हूँ मिक्सर ग्राइंडर में। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है, उसमें डालेंगे सारे सीड्स। उसी के साथ साथ इसमें डाल देंगे चीनी, नींबू का रस डाल देंगे, इसे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। काला नमक डाल देंगे और यहाँ पे मैंने लिया है आधे से भी कम, मतलब एक चौथाई गिलास पानी लिया है मैंने यहाँ पे। अब इन सभी को ग्राइंड कर देंगे। तो इसको हम पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड हमें पूरा ग्राइंड नहीं करना है, दरदरा इसको पीसना है। अगर पूरा ग्राइंड कर देंगे तो इसके सीड्स जो है वो पूरे ग्राइंड हो जाएंगे और उसका कलर जो है वो हल्का वाइट वाइट दिखने लगेगा। इसके लिए हम उसे पूरा ग्राइंड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करेंगे और इसके सीड्स को ग्राइंड नहीं हो उसी तरीके से ग्राइंड करेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से पोमोग्रेनेट को ग्राइंड कर लिया है और जो इसके सीड्स हैं वो ग्राइंड नहीं हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें। अभी हमें क्या करना है, इसको छान लेना है ताकि इसके सीड्स जो है वो अलग हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेनर ले लिया है, नीचे बॉल ले लिया है। इसको हम इस तरीके से छान लेंगे ताकि जूस अलग हो जाए। तो चम्मच से इसको हम दबाते हुए इसका सारा जूस निकालेंगे। देखिए स्ट्रेनर के अंदर आप देख सकते हैं कितनी सारी सीड्स हैं। तो मैंने सीड्स को नहीं पीसा है, सिर्फ इसका जूस निकाल दिया है। तो अब हमें इसे सर्व करना है। तो मैंने सर्विंग ग्लास ले लिया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट जूस हमारा तैयार हो गया बनके। अनार का जूस बहुत ही फ़ायदा करता है आपके शरीर को, वो भी खास करके गर्मी के सीज़न में। अगर आप ये बना के अपने फैमिली वालों को देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, अपने बच्चों को भी देंगे तो ये इसका टेस्ट ही ऐसा है कि बहुत ही अच्छे से वो लोग पियेंगे। तो इस गर्मियों के सीज़न में आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी डिश पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।